चलिए, तो ये 3.16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको तीन सेल दिख रहा है, सेल ए जो ब्लैक कलर का है, सेल बी जो रेड कलर का दिखाया गया, और सेल सी जो ब्लू कलर का है। सेल ए में जिंक सल्फेट, सेल बी में सिल्वर नाइट्रेट, सेल सी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को लिया गया है। तीनों को एक सीरीज में कनेक्ट किया गया है और उससे 1.5 एम्पियर का करंट को तब तक पास किया गया है जब तक कि सेल बी में 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए। ठीक है, तो सेल बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मास दिया हुआ है 1.45 ग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को मास दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे क्या, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड, क्योंकि मेटल है इसलिए कैथोड पर डिपोजिट होगा। एट द कैथोड ऑफ सेल बी इज इक्वल टू 1.45 ग्राम, दिस इज गिवेन इन द क्वेश्चन। ओके, करंट स्ट्रेंथ हम लोग का क्या है जी? करंट हम लोग का है 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं थ्योरिटिकल क्लास में कि W इज इक्वल टू ई आई टी बाय 96500 फराडे ग्राम। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इस पर जब हम लोग ये अप्लाई कर दें इस कंडीशन में, जो गिवन कंडीशन है, तो मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू 1.5 एम्पियर करंट इनटू टी टाइम व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट एंड 96500 कूलम। ओके, ये आपको हम लोग को दिया हुआ है 1.45 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास बाय चार्ज ट्रांसफर, दैट मीन Ag प्लस 1 होता है। तो अब यहां से आप T निकाल लो, T इक्वल टू क्या होगा, 1.45 इंटू 96500 बाय 108 इंटू 1.5 सेकेंड। ध्यान रखना है कि ये सेकेंड में आएगा। अब देखो, ये जितना भी आ जाए सेकेंड, सेल क्योंकि सीरीज में है तीनों सेल से करंट सेम होगा 1.5 एम्पियर, इक्वल टाइम पास होगा जो हम लोग का टाइम आएगा। ठीक है, अब आप आराम से सेल ए या सेल बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लिखेंगे फॉर सेल ए, मास ऑफ जिंक डिपोजिटेड विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इनटू आई इनटू टी बाय 96500 कूलम। मास ऑफ जिंक डिपोजिटेड, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी या चार्ज और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 96500। आई हो गया 1.5 एम्पियर, टी जो यहाँ आएगा वो टी यहाँ लिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेल सी के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज एटॉमिक मास बाय चार्ज 63.5 बाय 2, ये वही रहेगा 1.5, टी वही रहेगा। ठीक है, तो ये है 1.16 फराडे लॉ का, ये न्यूमेरिकल था। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। बाय।